Use the adjoining figure. AB is equal to AC and D is the midpoint of BC. Use SSS rule of congruency to show that triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो सबसे पहले हम first part के लिए हमें compare किसमें करना है ABD and ACD में. तो यहाँ पे लिखते हैं in triangle ABD in triangle ABD and triangle ACD. तो in triangle ABD and ACD. तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इन ट्राइंगल एबीडी में क्या है हमें गिवन है एबी इज इक्वल टू एसी. ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है एबी इज इक्वल टू एसी. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ये भी गिवन है कि बीडी इज इक्वल टू डीसी. ये भी हमें गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट बीडी इज इक्वल टू डीसी. यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी दैट्स वाई बीडी इज इक्वल टू डीसी. एंड थर्ड थिंग इज हमें पता है एडी इस ट्राइंगल में भी और एडी इस ट्राइंगल में भी है तो दोनों में एडी तो कॉमन है ही सही तो एडी इज इक्वल टू एडी. तो अगर हम देखेंगे तो क्या है तीनों साइड से यहाँ पे तो फ्रॉम साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल या फिर SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ऐसा बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज congruent to triangle ACD. तो ये हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में. नाउ अब हमें बताना है कि AD is perpendicular to AD is bisector of angle A. अब AD is bisector of angle A हम कैसे बोल सकते हैं अगर AD bisector क्या होगा means हम बोलना चाह रहे हैं कि angle BAD is equal to angle CAD. तो अब हमें पता है ये दोनों triangle congruent है तो corresponding angle भी क्या होंगे सेम होंगे. कैसे हो सकते हैं सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी. ये सेकेंड पार्ट इसका. और थर्ड पार्ट क्या है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर है हमें पता है लाइन बी सी के ऊपर जो पूरा एंगल होगा इसका सम क्या होगा 180 डिग्री. और हमें ये भी पता है एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी इक्वल है. तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी. और ये दोनों किससे इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री बाय 2 के क्योंकि हाफ हो जाएंगे तो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो आंसर क्या जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.